What's up guys, good morning everyone, welcome to study mission, I hope to love you well. So आज हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे आज का और देखेंगे क्या कुछ आज के करंट अफेयर्स में देखने को और जानने को मिलता है, क्या कुछ सीखने को मिलता है आज के करंट अफेयर्स में। तो आइए चलते हैं एक मोटिवेटेड कोर्स के साथ शुरुआत करते हैं लेक्चर को। सफलता कभी भी हाइट, बॉडी और लुक पर निर्भर नहीं होती, यह केवल आपके ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है। तो यही आज का कोर्स है कि आपका जो सक्सेस है वो आपके बॉडी पे, वो आपके लुक पे, आपके चेहरे के लुक पे निर्भर नहीं होती, बल्कि आपके ज्ञान पे, आपके बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है, आपके नॉलेज पर निर्भर होती है। तो नॉलेज गेन करते रहिए, आइए चलते हैं लेक्चर में और आज के करंट अफेयर्स में। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट है अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी टू प्रिजर्व मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द व्हिच लैंग्वेज। अभी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अनाउंस किया है क्रिएशन करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, किस भाषा को प्रिवेंस करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएशन कर रहा है? तो संस्कृत भाषा को, यूनिवर्सल के संस्कृत भाषा को हम लोग पहले फोकस देते हैं संस्कृत भाषा पे सबसे ज़्यादा, और संस्कृत भाषा को कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ रहे हैं। तो संस्कृत भाषा को हाईलाइट में लाने के लिए, संस्कृत भाषा को ऐसे लाने के लिए कि हम छोड़ ना सके इसको, इसलिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है संस्कृत भाषा को लेकर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, शिव प्रथा शास्त्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ विच स्टेट। अभी शिव प्रथा शास्त्री हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं नया इलेक्शन कमीशन इसी अपॉइंट किए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त किस स्टेट के लिए? तो तेलंगाना के लिए नया इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन हुज प्रेजेंस हैज द इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द राफेल फाइटर जेट विमान। तो किसके अध्यक्षता में, किसके प्रेजेंस में ये इंडियन एयरफोर्स की जो अभी राफेल जो खरीदी गई थी उसको अभी कल उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, तो किसके अध्यक्षता में किया गया था, किसके प्रेजेंस में? तो प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह एंड फ्लोरेंस पाली हैं जो कि फॉरेन के हैं, तो इनके दो अध्यक्षता में दोनों के ये उद्घाटन किया गया था, जो कि राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, यू नो दैट। आइए क्वेश्चन फोर पे चलते हैं, विच स्टेट सीएम इनवाइटेड द कंट्री फर्स्ट इंटीग्रेटेड एंड द एयर एम्बुलेंस सर्विस। अभी कहाँ के सीएम हैं जो कि इनवाइटेड किए हैं एक एयर एम्बुलेंस को सर्विस को लॉन्च किए हैं? तो ये कर्नाटका में एयर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च हुआ है कर्नाटका के लोगों के लिए। क्वेश्चन फिफ्थ है, हु हैज वन द वुमेन्स प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको मिला है वुमेन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अभी इस साल का? तो बीथी इंग्लैंड की हैं ये बीथी ने इंग्लैंड की हैं, इनको मिला है वुमेन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज लॉन्चेड अ कैंपेनिंग कार्ड एसोल चीनी एक कैंपेनिंग लॉन्च किया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, ये किस लिए लॉन्च किया है? तो जो भी फेक न्यूज हमारे पास आती है, फेक इन्फॉर्मेशन, उसको स्टॉप करने के लिए फेक इन्फॉर्मेशन को, जितने भी व्हाट्सएप चैट पर आती है फेक इन्फॉर्मेशन या कहीं भी आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया पर, उस फेक इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए ये कैंपेनिंग स्टार्ट किया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच थ्री कंट्रीज है ऑर्गेनाइज द फर्स्ट टेरिटोरियल डायलॉग्स। देखिए कौन से थ्री कंट्री हैं जो कि ऑर्गेनाइज किया है पहली बार टेरिटोरियल डायलॉग्स। तो इंडियन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मिलकर एक मीटिंग किए थे, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ने ऑर्गेनाइज किया है ये। क्वेश्चन नंबर एट है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज 2021 के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए, शांति पुरस्कार के लिए किसको अपॉइंट किया गया था? तो न्यूज अभी दो दिन पहले की है, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी ट्वीट किए थे अपने खुद, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्वीट किए थे कि मैंने नोबेल प्राइज़ पाने के लिए अपॉइंट किए गए हैं वो, तो नोबेल प्राइज़ पाने के लिए अपॉइंट किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट अनाउंसली।
एनुअली। देखिए अभी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, सुसाइड से बचाने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, सुसाइड ना करें लोग, तो वो 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, आत्महत्या बचाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जयप्रकाश रेड्डी डाइड इन सितंबर 2020, ही बिलोंग टू विच फील्ड। अभी जयप्रकाश रेड्डी हैं जो कि सितंबर 2020 को ये डेड किए गए थे, ये मर गए थे, तो ये भी किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, किस फील्ड से, कि फिल्म इंडस्ट्री में थे, ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे जयप्रकाश रेड्डी, जो कि 10 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिल्म इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते थे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज के लेक्चर में, आज के करंट अफेयर्स में आपको बहुत सारे नॉलेज गेन करने को मिला होगा, बहुत सारे कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। ऐसे ही साथ देते रहिए, और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ, वहाँ पर आपको PDF सारी मिल जाएंगी इकट्ठे सारे लेक्चरों का। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरी जानकारी हमारा, तो ऐसे ही, और अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, तो आपको डेली अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे लेक्चर का। तो द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी आता है, उसको भी देखा करिए, करीब करीब वो 1 या 1.5 बजे करीब में आता है, तो उसको भी देखा करिएगा, इंजॉय करिए। ठीक है, धन्यवाद।